अस्सलाम वालेकुम, लवबर्ड वैली की इस वीडियो में खुश आमदीद। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें विटामिन सप्लीमेंट्स अपने बर्ड्स को कितनी देनी चाहिए और कौन सी देनी चाहिए। देखें, आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है और बर्ड्स जो हैं उनमें आमतौर पे नमकियात की कमी हो जाती है, क्योंकि बर्ड खाता कम है, ज़्यादातर बैठा रहता है गर्मी से, तो उसमें विटामिन्स की कमी हो जाती है। अगर तो आप इनको सीड मिक्स डाइट पूरी दे रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं मेरी वीडियो जिसमें मैंने सीड मिक्स डाइट लव बर्ड्स की बताई हुई है, वो पूरी दे रहे हैं और साथ आप उनको सॉफ्ट फूड भी दे रहे हैं, तो इसके साथ आपको इनको मल्टी विटामिन्स भी लाजमी देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई इसके अंदर विटामिन्स की कमी हो जाती है तो बर्ड्स के पर झड़ सकते हैं या उनको और भी प्रॉब्लम्स, ब्रीडिंग में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मल्टी विटामिन्स जो होती हैं वो जिनमें मिनरल्स भी शामिल हों, वो इनके अंदर जो भी खुराक की कमी होती है उसको पूरा कर देते हैं और बर्ड्स जो होते हैं वो बीमार होने से बच जाते हैं और ब्रीड अच्छी करते हैं और बच्चों को भी अच्छा पालते हैं। विटामिंस में जो सबसे बेस्ट मैं मल्टी विटामिंस रिकमेंड करूंगा वो है वाइडलिन एम। ये सिरप है, ये पानी में आपने मिला के देना है इनको। कुछ लोग इस सिरप को दाने में भी मिला के देते हैं, बाजरे में मिला देते हैं और उसके बाद देते हैं, लेकिन उसका नुकसान यह होता है कि जब बाजरा काफ़ी दिन पड़ा रहता है तो उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह डेवलप होने का खतरा होता है। तो और सीड्स जो होते हैं वो बर्ड्स आमतौर पे छिलके ऊपर से उतार के खाते हैं, कंगनियाँ वगैरह हैं तो उसके अंदर से सीड निकालते हैं, तो ऊपर जो विटामिन होती है उसके छिलके पे वो तो जाहिर बात है ज़ाया हो जाती है, वो तो गिरा देते हैं छिलका। तो इसलिए मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इसको पानी में मिला के दें, या आप सॉफ्ट फूड के साथ भी इसको उसमें भी मिला के दे सकते हैं, लेकिन पानी बेस्ट रहता है, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं तो गर्मियों में बर्ड पानी पी रहा होता है काफ़ी, तो उसकी वजह से इसमें अगर आप विटामिन्स मिला देंगे तो फिर वो जो है विटामिन्स पी लेता है। विटामिन एम में बहुत सी डिफरेंट विटामिन्स हैं, इसमें विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन B1, B2, विटामिन सी है, निकोटिनामाइड है, आयरन है, आयोडीन है, कैल्शियम है। कैल्शियम इनके लिए बहुत ज़रूरी है, इनके ब्रीडिंग के लिए जो अंडे होते हैं उनके खोल सख्त होते हैं और उससे अंडे टूटते भी नहीं हैं और ज़्यादा अंडे बर्ड्स देते हैं, तो कैल्शियम बहुत ज़रूरी इनके लिए। इसके अलावा फॉस्फोरस है, विटामिन B6, B12, मैग्नीशियम, पैंथिनॉल, मैंगनीज, जिंक है, कोलीन है, इनोसिटॉल है। तो बर्ड्स को विटामिन्स के साथ मिनरल्स की भी जो होती है बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि गर्मियों में आमतौर पे बर्ड में मिनरल्स की कमी पैदा हो जाती है गर्मी की वजह से, तो मिनरल्स इसके अंदर शामिल हैं और आप अगर इनको देंगे तो ये मिनरल्स की कमी को भी पूरा करेगा। यह आपने इनको पानी में मिक्स करके देना है, मैं आपको बताता हूँ। आपने तकरीबन 1 लीटर पानी लेना है और उसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून विटामिन्स मिक्स कर देनी है। विटामिन्स देने से पहले इसको शेक कर लें इसी तरीके से, उसके बाद इसको इस पानी के अंदर मिक्स कर दें। एक लीटर पानी में 1 टेबलस्पून आपने मिक्स करना है। ये मेरे पास 1.5 लीटर पानी है, लिहाजा मैं इसमें 1.5 स्पून मिक्स कर रहा हूँ। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें ताकि कोई विटामिन्स जो हैं वो नीचे ना बैठी हों।
और इसके बाद इसको पानी को इसके बर्तन में डाल के तो इनको दे दें। ये विटामिन्स वाला पानी जो है ना, ये आपने रात को गिरा देना है इनका, क्योंकि गर्मियां हैं और ये जो सॉफ्ट फूड आप इनको डालते हैं तो ये सारा दिन वो सॉफ्ट फूड उठा उठा के पानी में डालते रहते हैं, तो उससे पानी काफ़ी गंदा हो जाता है। और वैसे भी गर्मियों में क्योंकि इसमें विटामिन मिक्स है तो इसमें बैक्टीरिया पैदा होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी बैक्टीरिया डेवलप होता है। तो रात को आप इस पानी को गिरा दें, बर्तन को धो लें अच्छी तरीके से, और सुबह फ्रेश विटामिन्स जो हैं वो उसके अंदर मिक्स कर दें। ये विटामिन्स आपने हफ्ते में 2 दिन तो लाजमी देने हैं, ठीक है। एक दफ़ा भी दे सकते हैं अगर आपके पास टाइम इतना नहीं है, तो कम से कम जो है वो 2 दफ़ा वीक में लाजमी इनको आप ऑफ़र करें। और अगर आप कुछ नए बर्ड्स लेके आए हैं तो नए बर्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रेस्ड होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो विटामिन्स आपने नए बर्ड्स को तो लाजमी डालने हैं ताकि उनके अंदर स्ट्रेस की जो है उसमें स्ट्रेस इनका कम हो, इनमें ताकत आए। तो ये विटामिन्स में जब ये पिएंगे पानी तो उनमें ताकत आएगी, इनका स्ट्रेस कम होगा, उनके बीमार होने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। और इस पानी को अब मिला दें बर्तन के अंदर और उनके इनको ऑफ़र कर दें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इसके साथ आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.lovebirdvalley.com और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना अपने बर्ड्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।